जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में शामिल करने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने ऐतराज जताया है। वन मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में धर्मशाला के डीआरडीए सभागार में टीसीपी में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने बिना सुविधाओं और विश्वास के लिए गए टीसीपी उन पर थोपने के आरोप लगाए हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में शामिल करने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने ऐतराज जताया। वन मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में धर्मशाला के डीआरडीए सभागार में टीसीपी में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने बिना सुविधाओं और विश्वास में लिए टीसीपी उन पर थोपने के आरोप लगाए। पंचायत प्रधानों का कहना था कि सुविधाएं देकर टीसीपी लागू किया जाता तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिससे ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आलम यह है कि टीसीपी में हर नक्शे को पास करवाना पड़ रहा है तथा गरीब ग्रामीण वर्ग को निर्माण करना मुश्किल हो गया है। इस दौरान सुधेड़, रक्कड़, सुक्कड़, बागनी सहित अन्य क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों, जिनके कुछ क्षेत्र टीसीपी में शामिल किए गए हैं, अपनी बात वन मंत्री के समक्ष रखी। वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि जो क्षेत्र टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लिए गए हैं उन पर चर्चा के लिए बैठक रखी थी। सीएम जयराम ठाकुर ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है जिसका सदस्य होने के नाते सीएम ने मुझे कांगड़ा टूर पर भेजा है। कांगड़ा में हमने निर्णय लिया कि चार हिस्सों में पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। धर्मशाला में चार प्लानिंग एरिया पर चर्चा हुई। कुछ पंचायतों के लोगों का कहना है कि इन गांवों को टाउन प्लानिंग में नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में लोगों के सुझाव लिए गए हैं। इस पर कैबिनेट सब कमेटी बैठेगी और सीएम के साथ चर्चा की जाएगी। धरातल पर काम करने की दिशा में ही पहल करते हुए बैठकें की जा रही हैं। आगामी दिनों में शहरीकरण होगा और हमें सुविधाएं भी देनी है, जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करना है। आज की बैठक मुख्य रूप से जो क्षेत्र टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लिए गए हैं उनके बारे में विचार विमर्श करने के लिए रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और उस सब कमेटी का एक मेंबर होने के नाते उन्होंने मुझे जिला कांगड़ा के टूर पर भी भेजा है। और जिला कांगड़ा बहुत विशाल है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हमने तय किया कि यहाँ पर हम चार हिस्सों में पंचायत प्रतिनिधियों से बात करेंगे। तो अभी हमारी पहली मीटिंग ये धर्मशाला की हो गई है और जिसमें चार प्लानिंग एरिया पर डिस्कशन हुई और इसके बाद अब अगली बैठक 2 बजे पालमपुर में है और कल देहरा में होगी और उसके बाद ज्वाली में होगी। तो ऐसी चार मीटिंगें रखी हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्राम पंचायतों के लोगों का यह है कि भाई इन गाँव को उसमें टाउन प्लानिंग में नहीं लेना चाहिए, तो उन बातों को सुना और इस सब पर पूरे प्रदेश स्तर पर ही हम सारी डिस्कशन करके और सभी से सुझाव लेकर के और इसके बाद कैबिनेट सब कमेटी बैठेगी और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करके जो भी निर्णय होगा तो वो उसको करेंगे। निश्चित रूप से ठोस रणनीति का ही हिस्सा है कि जब ऐसे सब मुद्दे उठे तो उन्हीं का समाधान करने के लिए कि वास्तव में जा करके जो जमीनी स्तर पर हैं पंचायतों के चुने प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए तभी ये सब चला है और इसलिए मुख्यमंत्री ने ये सब किया है। अब सुन के अब इन सारी बातों पर विचार करेंगे। देखिए ऐसा अब ये लगभग ये कोई 15-20-25 सालों से कई प्रोसेस चली हैं। अब यह कि पूर्व में क्या क्या हुआ उन कमियों पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन वास्तव में यह है कि आने वाले दिनों में शहरीकरण भी होगा और हमको सुविधाएं भी देनी है, लेकिन उस सब में कोई भी नया काम प्रारंभ होता तो उसमें उसके मेरिट और डीमेरिट तो पता चलते हैं और साथ में, लेकिन अगर कोई समस्या तो उनका भी समाधान होता है। तो इसलिए अब ये जो पहले जो हुआ है तो उसमें अगर कहीं पर कोई कमी आ रही तो उनको सुधार के लिए जो है हमारे पास गुंजाइश है। कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक करेंगे प्रदेश की ओर जहाँ पर मनाया गया शिवरात्रि का पर्व।